नमस्कार। राज्य में आउ दुई संक्रमित चिन्हट होती गतकाल आउ दुई जन रिपोर्ट पॉजिटिव आसवा पर राज्य में 50 रे पहुंची आक्रांतों संख्या। गतकाल होता मोट 298 नमूना परीक्षार दुई जन नमूना पॉजिटिव आसी। राज्य में वर्तमान सुधा 50 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होती। दुई नुआ पॉजिटिव का ट्रैवल हिस्ट्री जमापड़ना से 12 जन सुस्थ होती जनकर मृत्यु होती। फल वर्तमान राज्यर विभिन्न डाक्तरखाना 37 जन आक्रांत चिकित्सा करा कर। तो दुई नुआ आक्रांत चिन्हट परे वर्तमान राज्य में कोरोना आक्रांत संख्या 50 रे पहुंची। 50 मध्य 10 जन आउ 10 जन सुस्थ होती जहाँकि निश्चित रूपे भल खबर कहुपर। पूर्वर दुईज सुस्थ होगा घर को डिस्चार्ज कर दि जाता। 37 जन राज्य विभिन्न डाक्तरखाना चिकित्सित हो। कोरोना को नहीं सारा विश्व आतंक बेले ओडिशा भल खबर आसी। ओडिशा आउ 10 जन आक्रांत सुस्थ होती। 10 जन कोरोना आक्रांत नमूना नेगेटिव आसी स्वास्थ्य विभाग सूचना देती। सुस्थ होता 10 जन आक्रांत मध्य भुवनेश्वर 5 जन बेले भद्रक 2 जन कटक जाजपुर और पुरी जिलार जड़े लेखाएं सुस्थ होती। ए राज्य सरकार समस्त डाक्तरी टीम को अभिनंदन जल्दी। पूर्व भुवनेश्वर 2 कोरोना आक्रांत युवक सुस्थ होता बेले झारपड़ार जड़े वृद्धों मृत्यु होता। सामना को आसला कोरोनार भयंकर तथ्य। गुरुवार चिन्हट 4 नुआ कोरोना आक्रांत मध्य अच्छा 2 शिशु। भुवनेश्वर झारपड़ा अंचल 2 शिशु कन्या मध्य जनकर बयस 5 वर्ष होता बेले अन्य जनकर बयस मात्र 9 वर्ष। जेपरी झारपड़ा अंचल आउ जड़े 37 वर्षीय महिला कोरोनार आक्रांत होती। 42 नंबर रोगी निकट संपर्क होता नहीं राज्य सरकार पक्ष सूचना दी जाइए। 42 नंबर कोरोना आक्रांत एम्स हॉस्पिटल को जाते कोरोना रे छोटो पिला संक्रमित होबारे राज्य में प्रथम घटना। से कलाहांडी गोलमुंडार द्वितीय पॉजिटिव आक्रांत ट्रैवल हिस्ट्री जारी करा जाए छी। इस संपर्क में अधिक अपडेट पाए समस्त ऑनलाइन जोड़ी होती हम प्रतिनिधि अजेश मल्लिक। अजेश जितेबाला कोरोना को नहीं कि सारा राज्य कौन सारा विश्व रे आतंक ओडिशा पाई भल खबर जे सुस्थ होती 10 जन तो यही जो 10 जन का रिपोर्ट नेगेटिव आसी कहु तो से आते दिन हस्पिटाल रखा जा केवे से डिस्चार्ज कर कौन खबर अच्छी। बढ़ुची देश में बढ़ुची कई परिस्थिति से स्थिति में ओडिशा जो कल गत काली 10 वर्तमान जो पॉजिटिव परीक्षा नेगेटिव आसी गोटे कहुपुर भल खबर कारण जिते बड़े सारा देश में राज्य में विश्व में बढ़ुची से 10 जन सुस्थ होगा निश्चित भाव राज्य एक भल खबर कहुपर कारण पूर्व ये जो प्रथम आक्रांत और राज्य द्वितीय आक्रांत जी थे भुवनेश्वर दुई व्यक्ति जी विदेश गस्तला से पूर्व सुस्थ हो घर को फेरी गत काली जो 10 फेरी भितर भुवनेश्वर में 10 जन 5 जन रही भद्रक 2 जन जाजपुर जड़े पुरीर जड़े और कटक जड़े रही निश्चित एक राज्य भल खबर कहुपर कारण से सफलता टीम र डाक्तर मान को मुख्यमंत्री शुभेच्छा जनई स्वास्थ्य विभाग पक्ष शुभेच्छा जनई आगे काम जारी रखा कहुचित कहुपर वर्तमान राज्य में टोटाल 50 टी केस आज पहुंची कारण गत काली राति मध्यरात्रि में 2 केस आँचला कारण 298 टी जो नमूना परीक्षण कर 2 पॉजिटिव केस बाहर निश्चित कहुपर गोटे पटे सुस्थ होती अंपटे आक्रांत संख्या बढ़ी चलती क्यों कौटी कहुपर देखा जाता प्रथम केस जो आ मार्च 15 तारीख प्रथम पॉजिटिव केस आ मार्च 19 तारीख द्वितीय पॉजिटिव केस आसला तृतीय पॉजिटिव केस आसला 26 तारीख से कि परवर्ती मुहूर्त में संख्या बढ़ी जब कह एप्रिल 5 तारीख एप्रिल 3 तारीख दिन एप्रिल 3 तारीख में 15 टी पॉजिटिव केस आसला एप्रिल 5 तारीख दिन आसी 18 टी पॉजिटिव केस कौटना कौटी कहुपर गोटे गोटे परीक्षण बढ़ुची संख्या बढ़ी चलती किंतु
राज्य सरकार बारंबार चेष्टा कर संक्रमण अधिक न व्यापक पदक्षेप नौकरी कि सामाजिक दूरता कथ सचेतनता कथ बारंबार कि तार भितर जितने संख्या बढ़ुची यार भितर आ गोटे कथा कहते आहरी गत काली एमकेसीजी को परमिशन टेस्टिंग अनुमति मिली सारी कारण पूर्व जो सरकार पक्ष अनुरोध कर परीक्षण किंतु गत काली आईसीएमआर पक्ष क्लीन चिट आसी एमकेसीजी परीक्षा हम कहुपरब राज्य गोटे पटे जो सुस्थ संख्या जो सुस्थ माने जो दुई प्रथम एवं द्वितीय आक्रांत जो सुस्थ होते निश्चा में परवर्त मुहूर्त झारपड़ जो व्यक्ति छह तारीख मृत्यु घटी परवर्त मुहूर्त जना पड़ा करोना पॉजिटिव से राज्य एक निराश भाव आसला एक आतंक खेली कि परवर्त मुहूर्त राज्य सरकार कहला कि भाव संक्रमण को आहरी कम कर सरकार प्रयास जारी रखी डाक्टर टीम प्रयास जारी रखी निश्चित भाव से संक्रमण को रोकने सरकार व्यवस्था करपाखि आप बेड कोविड हॉस्पिटल निर्माण सर आठ राज्य सरकार लगातार उद्यम जारी रखी किभली भाव स्थित को नियंत्रण कर गत काली जो दुईट नुआ केस सामना को आसी तो से क्यों अंचल से संपर्क किसी डिटेल जना पड़ा कि देखो गत काली मध्यरात्रि जो है बर्तमान जो रात्रि आसी रिपोर्ट पॉजिटिव केस वर्तमान सुधा केवल स्वास्थ्य विभाग वेबसाइट ही तथ्य उपलब्ध कर ट्रैवल हिस्ट्री किंवा क्यों स्थान रु वर्तमान सुधा ता स्पष्ट कराई हुए तो परवर्त मुहूर्त में सांबादिक सम्मेलन कि परवर्त मुहूर्त ट्विट में स्पष्ट कर यार भितर जो पर दिन जो आसाला चार केस तार तार आसी सारी ट्रैवल हिस्ट्री और जो जो झारपड़ा जो छह जन छह तारीख जो बहत्तर वर्ष वयस्क जो लोकंतर मृत्यु होता संस्पर्श आप जमी कहते कि तीन जन शिशु दुई शिशु और जन महिला संपर्क रही आउ एक केस रही कलाहां जी की बाहर जो व्यक्ति फेरी संपर्क कि गत काली रात्र जो दुईट केस आर्तमान सुधा तार कौन ट्रावेल हिस्ट्री जना पड़ी ना कि क्यों स्थान से नहीं कौन स्पष्ट सूचना स्वास्थ्य विभाग पक्ष दि जाए ना किंतु जेहेतु कह 298 टी केस गत काली दुईट पॉजिटिव केस आज से संपर्क में स्वास्थ्य विभाग पक्ष संपूर्ण स्पष्ट कर बहुत धन्यवाद अजय सूचना पाई अजय मल्लिक आम प्रतिनिधि जो भाव सूचना दूसरे कि डाक्तरी टीम राज्य में जो भाव में उद्यम जारी रखिंट अक्लांत परिश्रम जारी रखिं तार सुफल आसी दस जन कोरोना पॉजिटिव जो माने थिले से माने सुस्थ होती कारण से रिपोर्ट गत काली नेगेटिव आसी पूर्व दुईज कोरोना पॉजिटिव सी सुस्थ हो डिस्चार्ज कर सारी यापर पुणी आउ दस जन कोरोना पॉजिटिव सुस्थ हवा निश्चित रूपे कोरोना मुकाबला क्षेत्र में एक भल खबर बोली कह जापाई भारत में 200 टपिला कोरोना मृत्यु संख्या 6761 रु अधिक आक्रांत होती महाराष्ट्र में स्थिति संगीन रही वर्तमान सुधा महाराष्ट्र में 97 जनकर मृत्यु होता बेले 1364 जन संक्रमित चिन्हट होती सेपटे गुजरात में 17 जनकर मृत्यु होता बेले मध्यप्रदेश में जा 16 जनक जीवन दिल्ली में 13 पंजाब में 11 जनकर मृत्यु होती वर्तमान सुधा देश में कोरोना आक्रांतों संख्या 6761 में पहुंची 516 जन सुस्थ हो घर को फेरी देश में कोरोना भाइरस गोष्ठी संक्रमण नहीं यार प्रभाव भी बहुत कम रही केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय सचिव लव अग्रवाल एनेई सूचना देवास कहते आमको आगको आहरी सतर्क होगा पड़ो से देश में कोरोना आक्रांतों चिन्हट पर टेस्टिंग को बेसी गुरुत्व दि जाऊँ भारत में कोरोना संक्रमण वृद्धि पाई मंत्रालय एथसह टेस्टिंग परिमाण को वृद्धि करने लगी मोट 213 लैब प्रयास जारी रखिंट में जबकि हम कुछ 100 की संख्या में एक दिन में टेस्ट कर रहे थे आज हमारी स्थिति ये हो गई कि आज से करीब 7-8 दिन पहले जब हम 5-6 हजार टेस्ट कर रहे थे अब हमने कल 16,002 टेस्ट एक दिन में किए और उससे भी एक लिंक एक पॉजिटिव न्यूज मैं लाना चाहूंगा कि उसमें जो अगर टेस्ट हम देखें कि कितने पॉजिटिव आए तो करीब उसमें 0.2% केसेज ही पॉजिटिव पाए गए
तो ये फिगर डे टू डे वेरी होगी, बट जस्ट टू ब्रिंग टू योर काइंड नॉलेज कि हमारा जो इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्शन रेट, अगर हमने जो सैंपल्स कलेक्ट किए हैं उसमें उतना ज्यादा नहीं पाया जा रहा है। कोरोना स्थिति ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारा देश मुख्यमंत्री मानक सहित आलोचना करेंगे। बैठक में लॉकडाउन बढ़ावा नहीं चर्चा हो। कोरोना मुकाबला एवं सारा देश कोरोना मुकाबला गेम चेंजर भाव में उभा होता आंटी मैलेरिया मेडिसिन हाइड्रोक्स क्लोरोक्विन को नहीं चारिआड़े चर्चा। सारा विश्वर विभिन्न देश यह मागिबा परे भारत सरकार अमेरिका ब्राजिल स्पेन इज्राएल ब्रिटेन जर्मनी फ्रांस भली 13 देश को यह औषध पठाइबा को राजी होती। तेज यह आमदानी कले भारत में हाइड्रोक्स क्लोरोक्विन अभाव सृष्टि हेबा नाही बोली कहिछि केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय। मंत्रालय पक्ष कहुए भारत पाखे 3,28,00,000 हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट रही बासक व्यवहार पर जथेष। स्वास्थ्य मंत्रालय जुग्म सचिव लव अग्रवाल कहते देश आवश्यक औषध रखा पर यार रप्तानी निष्पत्ति नि देर इज स्टिल हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन व्हिच इज इन हाई डिमांड ग्लोबली बट आई मस्ट ब्रिंग इट टू योर नोटिस दैट अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट ऑन हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन आर ऑलरेडी देयर। Several countries have made requests for this particular item, and taking into view the domestic necessities and requirements, the domestic stock availability, and keeping a sufficient buffer for our own requirement, a decision was taken by the group of ministers to release some of the medicine, surplus medicine, to for export purposes. So this is again an ongoing process. The first batch of the first list of countries have been approved and the products have started to leave. So now we are working on the second list and subsequently the third list. But let me again underline and emphasize that the domestic requirement and necessity will be a priority for the government. ओडिशा परे भारतर द्वितीय राज्य भाव में पंजाब लॉकडाउन अवधि को मे 1 तारीख पर्यंत वृद्धि करछि। किलर कोरोना संक्रमण को रोकवा लगी पंजाब सरकार एपरी निष्पत्ति नहीं। तबे कोरोना को नहीं बड़ चेतावनी देखते पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। से कहते जे राज्य में कोरोना भाइरस द्वारा आक्रांत होता 37 जनकर कौन ट्रावेल हिस्ट्री नथिबारु राज्य गोष्ठी संक्रमण आड़क गति करुवा स्पष्ट हो। गोष्ठी संक्रमण पर्याय 3 भाव में जनाशुना। गोष्ठी संक्रमण में जड़े लोक किपरी एवं कहाठारु संक्रमित होता जमापड़ न था। पंजाब में कोरोना आक्रांत संख्या वर्तमान 132 रही। से 11 जन मृत्यु वर्तमान केवल जड़े रोगी भेन्टिलेटर सहायतार अच्छा 2 जन प्रि भेन्टिलेटर पर्यायर अच्छा जोठारे सेने केवल अम्लजान आवश्यक कर। पंजाब में मोट 434 कार्यक्षम भेन्टिलेटर रही। संक्रमण को रोकिबा पाई पंजाब में मास्क पिंधिबा बाध्यतामूलक करा जाय छी। देशरे कोरोना मुकाबला नै समस्त राज्य सह आलोचना कले केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे राज्य स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास यही आलोचन सामिल होते। केन्द्र सरकार कोरोना मुकाबला पाई 15,000 कोटी टंकार बजेट व्यवस्था करशा को मिल मात्र 46 कोटी टंका। केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया आलोचना समय कोरोना मुकाबला सहायता राशि वृद्धि करने को दावी कर स्वास्थ्य मंत्री नवकिशोर दास। झारसुगुड़ा जिलापा अफिस एनआईसी केन्द्र में केन्द्र स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन आलोचना कर राज्य में अधिक पीपीई और रक्त नमूना परीक्षा किट जोगाइबा को से दावी कर। ऐसे के कारण किसी भी प्रकार से कोविड के खिलाफ जो हमारी जंग है उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी की भी इच्छा भी है, उनका निर्देश भी है और उसके अनुरूप उन्होंने हमें हेल्थ डिपार्टमेंट को सहायता भी की है।
ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଆମକୁ ମାତ୍ର ମିଳିଛି 46 କ୍ରୋଡ଼ 35। ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଥିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ଫେସିଂ ଅଲୱେଜ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ କ୍ଲାଇମେଟ୍, ତ ୱି ନିଡ୍ ମୋର୍। କାହିଁକି ଆମେ ବହୁତ ହସ୍ପିଟାଲ କରିସାରିଲୁଣି, 6000 ବେଡ୍ କରିବାର ଆମ ପାଖରେ ପ୍ଲାନିଂ ଅଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆମର ୱେଷ୍ଟ ଏମ୍ସିଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍, ମାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଆମ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, 5TC ସମସ୍ତେ ଦିନରାତି କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ବଟ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦାବି କରିଛୁ ଯେ ତୁମେ ମିନିମମ 5 lakh PPE ତୁମେ ଦିଅ। ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସ କଲାଣି ମହାମାରୀ କରୋନା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେଣି ପାଖାପାଖି 70 ଲକ୍ଷ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେଣି 3,75,000 ଅଧିକ। ତେବେ ଆମେରିକାରେ ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି ସ୍ଥିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେରିକାରେ 18,664 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଛି 5 ଲକ୍ଷ ଉପରେ। ସେପରି ଇଟାଲୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 18,849 ଥିବାବେଳେ ସ୍ପେନ୍ରେ 16,081, ଫ୍ରାନ୍ସରେ 13,197 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଇସାରିଲାଣି କରୋନା। ବ୍ରିଟେନ୍ରେ 8,958, ଜର୍ମାନୀରେ 2,767, ଇରାନରେ 4,000 ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲାଣି। ଚୀନରେ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିବା ବେଳେ କୌଣସି ନୂଆ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। କରୋନା ମୁକାବିଲା ଲାଗି ପଦକ୍ଷେପ। ସାରା ଦେଶରେ ଜାରି ହୋଇ ରହିଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ସମୟରେ କେବଳ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରହିବ। ତେବେ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି, ହେଲେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଏ ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ। ତ କିଭଳି ରହିଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ପରିବା ହାଟରେ ଦୃଶ୍ୟ, ଏବଂ ସେଠି ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂକୁ କେତେ ଦୂର ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ପରିବା ହାଟକୁ। ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ। ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯେତେବେଳେ କରୋନାକୁ ନେଇକି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ କରୋନାକୁ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ 2 କଥା, ଯାହାକୁ କି ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରୀ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ପ୍ରଥମ କଥା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରିବେ, ତ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ପରିବା ହାଟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠାକାର ସ୍ଥିତି? ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, କେତେ ଦୂର ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଲୋକମାନେ, ଏବଂ ମାସ୍କ ଯେଉଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ହେଲେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ହିଁ ଗୋଟିଏ ବାଟ ରହିଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ପରିବା ମାର୍କେଟରେ ଅଛୁ, ଏଠି ପରିବା ମାର୍କେଟ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲା ତାକୁ ବାହାରକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଉଠାଇ ଅଣାଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ଭିତରେ ଭିଡ଼ ରହୁଥିଲା। ତ ସେ ଜାଗାରେ, କମ୍ ଜାଗାରେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଥା ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ବା ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଟକୁ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବାହାରେ, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପୁରା ପାଖାପାଖି 100-200 meters ଏରିଆରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିକି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 150 ବ୍ୟବସାୟୀ, ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ଏଠିକି ଅଣାଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ, ଯେହେତୁ ସ୍ପେସ୍ ଅଧିକ ଅଛି ତ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଥା ଯେମିତି କୁହାଯାଉଛି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜିନିଷ କିଣୁଛନ୍ତି ତା ସେ ଜାଗାରେ ନିଜ ଭିତରେ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ କେମିତି ଆପଣ ଗ୍ରାହକ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଦୂରତା ରଖିବାକୁ, ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, କେମିତି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆମେ କହୁଛୁ ଯେଉଁ ଗୋଲ ପଡ଼ିଛି ସେଠି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ନିଜେ ଦେବୁ, ସେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ନିଜେ ଦେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ, କାରଣ ଲୋକମାନେ ବି ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ କିଛି ଲୋକ ଏଟାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ କଥା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ତାହା ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉପାୟ, ଆଉ କୌଣସି ବାଟ ହିଁ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଆପଣ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ପରିବା ନେବା ପାଇଁ, କେମିତି ତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ମାନୁଛନ୍ତି? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଯଦି ଆମେ ରକ୍ଷା ନ କରିବା ତାହେଲେ ମାନବ ସମାଜ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ପୁରା। ତେଣୁ ଆମେ ପରିବା କିଣୁଛୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି, ପରିବାପତ୍ର ଯାହା କିଣିବା କଥା କିଣୁଛୁ, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ଆମେ ସେତିକି ହିଁ ବାହାରୁଛୁ।
ବାହାର ଅଲଗା ନେସେସରି ବାହାର କାରଣ ଏଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ବାଟ ରହିଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠିକି ଗ୍ରାହକ ଆସୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖୁଛନ୍ତି, ପରିବା କିଣୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ବି ରହୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ବାଟ ରହିଛି, ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, କାରଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆଉ ଉପାୟ ନାହିଁ। କେମିତି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ କେମିତି ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କରୁଛୁ? ଲୋକ ବି ନିଜେ ନିଜେ ସଚେତନ ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆସିକି ନିୟମ ହିସାବରେ କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି, ନିୟମ ଅନୁସାରେ କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟସାଇ, ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କୁହାଯାଉଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଥା, ତାକୁ ଲୋକ ମାନୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଗ୍ରାହକ ନୁହନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନୀଳାଦ୍ରିଭିଆ ପରିବା ମାର୍କେଟର ଚିତ୍ର ଆମକୁ ଦେଖାଉଥିଲେ ଯେ ସେଠି ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ରହିଛି ତାକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଏଥି ସହିତ ଲୋକମାନେ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନୂଆ ରାୟ ଅନୁସାରେ କେବଳ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ଏଣିକି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଲିସ୍ ପୂର୍ବଭଳି କଡ଼ାକଡ଼ି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା କଥା କହିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ତ କଟକରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଆଜିର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଚେକିଂ, ସେ ନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମେ ଲିଙ୍କ ରୋଡ୍ ଛକକୁ ଯିବା, ସେଠି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦେବାଶିଷ ଧଳ। ଦେବାଶିଷ, ହାଇକୋର୍ଟ ଗତକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ରାୟ ଦେଲେ ଏବଂ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋହଳ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଚେକିଂ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏ କଥା ରାୟରେ ଆସିଛି, ତ ଆଜି ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼ରେ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ର? ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ସାହି, 9 ତାରିଖ ଦିନ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ବେକରେ ଏକ ରାୟ ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଲିଖିତ ଥିଲା ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କହିପାରିବା ଯେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ଯେଉଁଭଳି ସିଜ୍ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଜ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ କି ରଖିପାରିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖି 3 ଥର ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଲେଖି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରିବ। ତାପରେ ତାହାର ଫାଇଦା ନେଇ କାଲି ଯାହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା କଟକ ସହରରେ ପ୍ରାୟ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗାଡ଼ି ହଉ କି କାର୍ ହଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ବୁଲିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଆଉ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିପାରିନଥିଲା କି ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବୁଲୁଥିଲେ ଓ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମେଇଥିଲେ। କାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପୁନର୍ବାର ଏହାକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବୁଝା ହେଇଥିଲା, ଏକ ରାୟ ଆସିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ କେବଳ ତା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ ଯାଇପାରିବେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିବନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଟକା ଯାଉଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଅଟକା ହେଉଥିଲା, ସିଜ୍ ହେଉଥିଲା, ସେହିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହିବା ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି। ତ କାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ପୁନର୍ବାର ପୋଲିସ ତା'ର ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ପ୍ରାୟ 50,000 ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର କଟା ହେଇଛି କଟକ ସହରରେ। ଯାହା ଦେଖିପାରିବେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି କି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମେ ଯାହା ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼ ଛକରେ, ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପୁନର୍ବାର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା 9 ତାରିଖ ପୂର୍ବର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଯେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ବୁଲୁଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଯାହା ଦେଖି ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଥିଲା ଓ ହାଇକୋର୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ଥିଲା, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କୁହନ୍ତୁ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ମେଡ଼ିକାଲ, ପାରାମେଡ଼ିକାଲ, ସିଏମ୍ସି କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାହା କହିପାରିବା ଯେଉଁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିପାରିବେ। ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ, କାର୍ ଯାଉଛି, କାର୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଓ ଯେହେତୁ ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼ ଛକ ଅଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଥାନା ଓ ମଧୁପାଟନା ଥାନା ବୋଥ୍ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଟିକନିକ୍ କରି ଗାଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ କାଗଜପତ୍ର କହିପାରିବେ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପାସ୍ ମିଳିଛି, ଯଦି ପାସ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାସ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଟେକ୍ନିକ୍ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ମାନେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯାହା ଦେଖିପାରିବେ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛି, ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆସିଛି ଏଇଟା ଖାନନଗର ଆସିଛି, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ 2 ଜଣ ଆସି ଅଟକାଇଥିଲେ, 2 ଜଣ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେଇ ମେଡ଼ିକାଲ ବାହାନା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବା ବାହାନା, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେଉଁ ବୁଲିବାର ବାହାନା ଅଛି ସେଇ ବୁଲିବା ବାହାନାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ତା'ର ତାଗିଦ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ଭିଡ଼ ନ ଜମିବ ସେ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରିଛି। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାର କୁହନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ହଉ, କେନ୍ଦ୍ର ହଉ,
जो भाई भाव में करोनार को जितने लड़े जारी रखते सोशियाल डिस्टेंस कथा कहु रास्त भिड़ न जमे कथा कहु बारंबार नवेदन करवा सत्वे भी लोक मैंने सका सका उठ पर आसुँ जहाँ कहला पर आसत पर मार्केट आसतु काली कहुई पर मार्केट जो आसा को खेला ना कि बैगण को खेला बैगण उदाहरण ये दिखाला जेहेतु आप बैगण बाछिक ने आप सब बैगण ने बाछिक ने आप गोटे पर गोटे लोक आसते से कहार पाखे संक्रमण अच्छी से असंभव कह कि जो भाई भाव में लोक मान सरकार लोक मान सचेतन कराऊंटे पर मार्केट हो कि सौदा मार्केट हो निज घर पाख निकटस्थ सौदा मार्केट किणतु जेहेतु गोटे पैनिक सिचुएसन अच्छी राज्यर कहीपर देशर पृथ्वीर से समस्ते मिलमिशी लड़िले ही पराजय करपरिया लॉकडाउन समय सीमा तीस तारीख रु वृद्धि कराई से तीस तारीख वृद्धि करा फल लोक मैंने निश्चित भाव में टी चिंत अच्छा जेहेतु मध्यवर्ती पर निश्चित भाव चिंतित अच्छा कितु सरकार कहते निश्चित भाव में बाधा पड़ी निश्चित कितु आम लड़े करार अच्छी आपको पराजय करने निश्चित भाव में मिलमिशी लड़े करार अच्छी घर रहीबार अच्छी तो सोशियाल डिस्टेंस कर कि घरे रहा निजी सुरक्षित रखिपर जहाँ आम सका सका चित्र देखा लिंक रोड छक आस्ते आस्ते जेहेतु पर मार्केट आरंभ हो लिंक रोड रो बादामबाड़ी जाए से लोक मैंने प्रायतः पर मार्केट किनी अंपटे जहाँ देखिए चित्र देखा वृद्ध व्यक्ति जड़े कि वयोज्येष्ठ व्यक्ति सी तार नहीं जाते पुलिस गाड़ी मैं सीज कर सीज कर कौन नहीं जाते बोलते तेल नहीं जाते से गाड़ी की सीज कर प्रायत सब गाड़ी जो जिते भी गाड़ी जाऊँच समझ टिकनिक कर चेक करा चेक कलापर ही जाकि छड़ा जहाँ पाखे पास अच्छी से छड़ा निश्चित भाव में दृढ़ कार्यानुषान ग्रहण करने पुलिस एक प्रकार निज मन भितर सुदृढ़ कर जो मैंने भी रास्तार अवहेला करेंगे कि करेंगे दृढ़ कार्यानुषान करा कि गाड़ी सीज करा अंपटे जहाँ देखिपर ये हूँ लिंक रोड रू बादामबाड़ी रास्ता निश्चित भाव में रास्ता टी अन्य दिन अपेक्षा निश्चित भाव खाँ पड़ी जो भिड़ रास्ता खाँ पड़ी जो भाव में पुलिस तागिद रोच लोक मूँ रास्त बाहर ना कि भिड़ जमात ना रोड से कार्यानुषान कर जो भी देखते गाड़ी जो मैंने आसुच्चे निश्चित भाव में पुलिस आसे निश्चित भाव चेक करेंगे चेक जदि से निजर जदि पास थी जापर नदी कि किसी जदि से बुलवाक जाए कि पर निश्चित भाव में जेहेतु जड़े जेहेतु जड़े पर कहते से छाड़ी दिगला पुलिस तार कार्यानुषान ग्रहण कर निश्चित भाव में जो व्यक्ति दिज आसपे पास अच्छी से पास छड़ा जहाँ कहींपर पुलिस केवल ही पास धारी लोक छड़ा अन्य क्या न छाड़ एक प्रकार स्ट्रीट करदे मन को बुझे जो भाई भाव में का सका सका पुलिस निरवता रही निज मन निरवता रही लोक मैंने बुलवार सुजोग नहीं कटक सहर कहींपर पूरा ओडिशा सारा तार फायदा नहीं लोक मैंने जो भाई भाव में एवं जदि निश्चित भाव में लोक मान अग कि लोक मैंने जो मैंने घर थे असंतोष प्रकाश पाई जी जदि पुलिस कहीं गला हाईकोर्ट कहीं नोटिस नायक कहीं राय दे जो भाई भाव में लोक मैंने बसते कि मध्यान हाईकोर्ट राय पर पुणी थे कड़ाकड़ी चेकिंग कटक जो कथा देवाशीष आम प्रतिनिधि लिंक रोड रित्र देखा बहुत बहुत धन्यवाद देवाशीष सूचनापाई लिंक रोड में कड़ाकड़ी चेकिंग करा जो माने बिना कारण रे बाइक नहीं बा टू व्हीलर नहीं पदा को बाहर से गाड़ी को जबत करा केवल वरिष्ठ नागरिक आ दिव्यांग एवं जो माने इमरजेंसी सर्विस रे अछंति से केवल गाड़ी नवा अलाउ करा जाय छि। 18 दिन में पहुंचला लॉकडाउन बालेश्वर में कड़ाकड़ी पालन करियम हाट बजार में सामाजिक दूरता अवलंबन नक दुकान सिल होगा सहित संपुक्त दुकानी विरोध में कड़ा कार्यानुष्ठान प्रशासन प्रस्तुत कर शुक्रवार लॉकडाउन को उल्लंघन कर दुकान खोल और सामाजिक दूरता रक्षा नक अभोग दुईट दुकान को सिल कर प्रशासन आम आपको नहीं जाऊँ बालेश्वर अरड़ा बाजार से देखा किभली भाव में सामाजिक दूरता एवं मास्क पिंधा हो बालेश्वरवासी केते दूर पालन करुँचं आम प्रतिनिधि सत्यजित सेनापति सत्यजित सामाजिक दूरत्व पर गुरुत्व दि जाऊँच गत काली बालेश्वर में दुईट दुकान को सिल करम उल्लंघन अभियोग तो अरड़ा बाजार में कमी देखुं सेठाकार दृश्य केते दूर पालन कर सामाजिक दूरत्व उभय व्यवसायी हूँ व ग्राहक हूँ
निश्चित शक्ति साई देखु जो भाई आप कहले बजार वर्तमान सामाजिक दूरत उपर बेस गुरुत्व दि जाऊँगी जदि जो मैंने घर बाहर अत्यावश्यक सामग्री नापी पनीपरिया हूँ मंस हो ग्रोसरी आइटम हो मेडिसिन हो सब दिग्वे सामाजिक दूरता गुरुत्व दि जाऊँगी जो भाई आप कहले गत काली दुईट दुकान सिल कर जो गोटे दुकान रही ग्रोसरी दुकान जी सामाजिक दूरता बारंबार कहवापुर मानु ना जो कस्टमर मैंने जो ग्राहक मैंने आसुते कृषि से रक्षा करने बुझे ना रक्षा कर जहाँ को नहीं सिल कर द्वितीय एक मिठा दुकान जी लॉकडाउन समय नियम उल्लंघन कर मिठा दुकान को खोली तेणु ये दुईट दुकान सिल कर पूर्व जो देखा दुई दिन पूर्व कथ देखा छोटी दुकान मेडिसिन स्टोर रही छोटी दुकान को सिल कर प्रशासन जे सामाजिक दूरता बजाय रखुले आम अच्छे बर्तमान जो पर मार्केट अच्छा जो नुआ बजार पर मार्केट था अर्डर बजार को स्थानातर कर आमिष उभय मार्केट रही उभय प्रकार जो जिन रही बिक्री अनुमति दिया जेहेतु ये एक चौड़ा रास्ता रही लंबा रास्ता रही तेणु इटि जो दोकानी मैंने रही है निज निज भाई दूरता व्यवधान मेन्टेन हो पार जहाँफल लोक गोटे स्थान में गैदरींग हो कारण देखा जो शह शह लोक एटी पर नापी आज ग्रोसरी नापी हो आमिष नापी हो शह शह लोक प्रत्येक दिन सका आसी था तेणु ताकि देखिपाई गोटे किलोमीटर रू देखा अधिक दूरता पर्यटन ये सामाजिक दूरता मेन्टेन करने व्यवस्था कर सर के सामाजिक दूरता मेन्टेन वर्तमान जेतु बारंबार कहुआ सामाजिक दूरता देखुंत दुकान मैंने मेंटेन निश्चय दुकानी मान को तो मुझे देखी पार ना आखिर सामने भी आपने से मास्क झोल गलार झूल बिकुं सब्जी मार्केट कर लोक करोना को गोटे खेल भाव मानुंट मैंने लोक आगे लॉकडाउन को गोटे पिकनिक जमी एंजय कर सका अजथार भी गाड़ी नहीं बुलवा जहां नेसेसरी काम ना से बुलुंट सीरीयसने लोक आ प्रति सरकार एत लोक बुझौती सरकार मेहनत सब अफिसर एडमिनिस्ट्रेशन पूरा लगी समाज में समस्त बुद्धिजीवी थी भी जो मैंने पढ़ालिखा भी से निजी को मैंने गोटे जोक नहीं भावुन जिनसा बिल्कुल भी गुरुत्व बोली ना दायित्व जो गोटे समाज प्रति किसी गोटे निजर दायित्व हवा दरकार से आमको निजे बुझा जेपर्न सचेतन न होगा जमी कथार ना कि निजर हाथ नजलिया पर्यटन कहीं बुझुना से निजे नबीतिया पर्यटन मतलब लगुना बुझुच्च सचेतन हमारे गोटे आवश्यकता अच्छे जो सर कहते कारण बारंबार प्रशासन हो सरकार हूँ बुझे लोक बुझाक चेस्ट कर सब भितर भी जो देखिए आप चित्र देखी किसी लोक जो रोचे जो मैंने उल्लंघन कर सोशियाल डिस्टेंस क्या जदि पुलिस चेकिंग कर पुलिस चेकिंग पर लोक कार्यानुषान ग्रहण करपर भी कौटना कौट देखा लोकों भितर सचेतन आसुनी एवं जो जो लोक मैंने रही नियम उल्लंघन कर गैदरिंग कर दौंस कि तथापि बेस देखा कड़ा कार्यानुषान जो भाई भाव में प्रशासन आरंभ कर ना बड़ बड़ दुकान को सिल कर सब भितर गोटे निश्चित भाव में गोटे रही गोटे कहु सोशियाल डिस्टेंस सामाजिक दूरता कथ कौन आपत पाखे बस कौन कि बेपारी सतर हो तो भाई जन व्यवसाय बारंबार प्रशासन कहते हैं डिस्टेंस रखा बस मना कर समस्त मना कर समस्त डिस्टेंस कर कहते गोले गले रही समस्त कह जहाँ चित्र रही लोक देखा जो मैंने पाखे बस किणाकणी करमने गणमाध्यम सामने हो जिते प्रशासन आसान सचेतन हो जाऊँच कितु निज भितर जो जन भाई आम किसम पूर्व कहते गोटे निज भितर लोक सचेतन रहा आवश्यक रही जितेपर्यंत निजे सोशियाल डिस्टेंस मेंटेन न करेंगे सेते पर्यंत जिते प्रशासन चेष्टा कले किसी लाभ हेनी कारण लोक निजे सचेतन हमारे आवश्यक अच्छे जो भाव में पूरा रास्ता निजक ही सोशियाल डिस्टेंसिंग को पालन करने आगे आसवाक पड़ो और जो मैंने पालन करूना सचेतन करने को पड़ो सबू क्षेत्र में पुलिस व प्रशासन जगी पारना तो निजर सुरक्षापी निजे सोशियाल डिस्टेंसिंग पालन करने दरकार अरड़ बजार मालेश्वर सेठाकार चित्र देखाऊ प्रतिनिधि सत्यजित सेनापति बहुत बहुत धन्यवाद सत्यजित आगू कोरोना संपर्कित खबर जारी रहा कि समय जो बुलेटिन नहीं गोटे छोटो ब्रेक नहीं जावा।